नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशरूम के फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, मशरूम जो है वो स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों से युक्त एक खाद्य पदार्थ होता है और इसमें अमाइनो एसिड, खनिज लवण, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी, मशरूम की सब्जी हर किसी को पसंद होती है। डॉक्टर का कहना है कि इसका सेवन मानव सेहत के लिए रामबाण है और इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण होता है और इसके अलावा ये मोटापे को भी कम करता है। चीन में तो इसे महाऔषधि और रसायन माना जाता है, वहीं रोम के लोग मशरूम को भगवान का आहार मानते हैं। भारत में उगने वाले मशरूम की दो सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां व्हाइट बटन मशरूम और ईस्टर मशरूम होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात की जाए मशरूम के फायदों की, तो इसका पहला फायदा है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाते हैं। मशरूम का सेवन करने से शरीर में एंटीवायरल और अन्य प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो कि शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रोबियल और अन्य फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। साथ ही साथ ये हार्ट रोगों से बचाव करता है। मशरूम में हाई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ ही इसमें कुछ तरह के एंजाइम और रेशे पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। साथ ही साथ ये कैंसर के लिए भी फायदेमंद है। मशरूम का सेवन करने से प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लाइसिन और लिनोलिक एसिड होते हैं। कई शोध भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मशरूम में मौजूद तत्व कैंसर के प्रभाव को कम करते हैं। मशरूम में काइटिन, लाइसिन और प्रोटीन की उपस्थिति मानव शरीर में ट्यूमर बनाने से रोकती है और साथ ही इसमें लगभग 22 से 35% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पौधे से प्राप्त प्रोटीन से कहीं अधिक होता है। साथ ही साथ ये आपको मोटापे से बचाता है। मशरूम में लीन प्रोटीन होता है जो कि वजन घटाने के लिए मददगार हो सकता है और मोटापा कम करने वालों को प्रोटीन आहार लेने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए मशरूम खाना बेहतर विकल्पों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ में भी फायदेमंद होता है। डायबिटिक रोगियों के लिए मशरूम सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर होता है और साथ ही साथ इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और शक्कर भी नहीं होती है और ये शरीर में इंसुलिन के निर्माण में भी मदद करता है और इसमें वो सब कुछ पाया जाता है जो कि एक डायबिटिक रोगी को चाहिए होता है। साथ ही साथ इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर बनता है। मशरूम में विटामिन बी होता है जो कि भोजन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा पैदा करता है। विटामिन B2 और B3 भी मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और इसीलिए मशरूम खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर बना रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये पेट विकारों के लिए भी उपयोगी होता है। ताज़े मशरूम में पर्याप्त मात्रा में रेशे यानी कि फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसका सेवन करने से कब्ज, अपच सहित पेट के विभिन्न विकारों में लाभ होता है और साथ ही इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का अवशोषण भी कम होता है और साथ ही साथ ये हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाता है। मशरूम का सेवन रक्त में हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाए रखता है और इसके अलावा इसमें बहुमूल्य फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थ में होता है और इसीलिए लोहा तत्व और फॉलिक एसिड के कारण रक्त की कमी की शिकार महिलाएँ और बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा आहार होता है और साथ ही साथ ये कुपोषण से भी आपको बचाता है। मशरूम जो है वो गर्भावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तक सभी चरणों में उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुपोषण से बचाते हैं और इसीलिए डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसके नुकसानों की, तो ये कवक ज़्यादातर केवल लाभ ही देता है, लेकिन कुछ मामलों में इसका सेवन सावधानी से किया जाना चाहिए। मशरूम जो इसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उत्पाद के अधिक सेवन से कुछ लोगों को एलर्जी होने की संभावना होती है और साथ ही साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को इसके सेवन से बचना चाहिए। कच्ची मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशरूम की कुछ प्रजातियाँ जहरीली होती है और कच्ची मशरूम खाने पर एलर्जी समेत अस्थमा जैसी कई बीमारियों को उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।